हेलो स्टूडेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीके वर्मा, टीपीओ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ये वीडियो सीरीज मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो ये वीडियो सीरीज अगर आप देखते हैं तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपके कई सवालों का जवाब दिया है, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग किसे करना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग अनिवार्य है या नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन होना चाहिए, किन कॉलेज के स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग अनिवार्य है। इस तरह की सारी इन क्वेश्चन का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप मेरे पिछले 3 वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो आप या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं किसी भी प्रकार से। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रयास कीजिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वोकेशनल ट्रेनिंग करें, और जिस भी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो उसमें सीखने का प्रयास जरूर करें। ऐसा मत कीजिएगा कि आप पहले दिन गए और आखिरी दिन सर्टिफिकेट लेने चले गए, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग में आप सीखते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी भी मोड़ पर आपको जरूरत काम में आएगा। आपसे इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके थ्रू आउट द लाइफ। सो जहां से भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं सही से कीजिए, ऑनलाइन मोड में कीजिए या ऑफलाइन मोड में कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इंडियन रेलवे में जाके आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको इंडियन रेलवे में किसी भी वर्कशॉप, रेलवे स्टेशन वगैरह पे अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफर हो जाती है तो आप वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग कीजिए। इंडियन रेलवे में इन जनरल कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वहां पर अगर आप सीखना चाहें तो बहुत सीख सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा कि आप BHEL में जाइए, BHEL भी वोकेशनल ट्रेनिंग कराता है, तो BHEL में अगर आप बात कर सकते हैं, अगर आप वहां वैकेंसी अवेलेबल है तो आप ट्राई कीजिए कि वहां सर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करें। BHEL में जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो पेड होती है, जो भी नॉर्मली फीस होती है वो आपको बता दी जाएगी, जनरली 3-4 हजार के आसपास उनकी फीस होती है। और तीसरी कंपनी मैं रिकमेंड करूंगा BSNL, BSNL भी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाता है और पेड बेसिस पे कराता है। BSNL की फीस थोड़ी ज्यादा है, 6,000 to 7,000 होती है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने के लिए बहुत कुछ होता है उसमें। ओके स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार इन कंपनियों के अलावा भी कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग कराती हैं, लाइक मारुति सुजुकी वोकेशनल ट्रेनिंग कराती है, और अशोक लेलैंड में भी आप ट्राई कर सकते हैं, टाटा मोटर्स में ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन मोड में जाना है तो ऑनलाइन मोड में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा सॉफ्ट प्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, उसके बाद है जो कंपनी कराती है SMPSV, ये लखनऊ की कंपनी जो वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है, और RK इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है, ट्रैप्सो लखनऊ से एक कंपनी है वो वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है, जॉब ले लो job.com भी वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट करा रही है। ये सब गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने 8-10 आपके नाम बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।